हेलो दोस्तों, हमारा डेयरी फार्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं के पैरों के बारे में कि पशुओं के पैर खराब कैसे होते हैं और उनसे नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि पैर कैसे खराब हो जाते हैं और उसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आप पूरी की पूरी जानकारी ले सको। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये गाय एक दिखा रहा हूँ, इसके पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ये देखिए। और उसके बाद इसे मिल्क फीवर हो गया है और लंगड़ा बुखार हो गया है। तो दोस्तों, जहाँ तक लंगड़े बुखार की बात करें तो उसके लिए अवेला फोर पाउडर आता है, बहुत ही बढ़िया मिनरल मिक्सचर है अवेला फोर, तो वो देना शुरू कर दीजिए अगर आपके पशु के पैर ख़राब हो चुके हैं। तो पैर ख़राब कैसे होते हैं दोस्तों? अगर हमारे जहाँ हमारे पशु बंधे होते हैं तो वहाँ जगह जो है वो गीली ज़्यादा रहती है, सूखा सूखी जगह नहीं रहती और फर्श है, तो हमारे पशुओं के पैर जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और नीचे से पैर गल जाते हैं। अगर हम समय से इसका इलाज नहीं कराएंगे तो हमारे पशुओं के पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और हमारी जो गाय है, ख़ास करके ये गाँव के ज़्यादा होते हैं, तो गायें हैं वो बैठ जाती है और बाद में खड़ी नहीं हो पाती। ये देखिए, अभी इस गाय के पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, अभी इसे बांध कर खड़ा किया गया है, ये देखिए। तो इसका इलाज सबसे पहले तो परहेज ही ज़रूरी है कि आपके पशुओं के पैर ख़राब हो ही ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सूखी जगह चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पशुओं के नीचे, फर्श पर ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, मिट्टी की जगह पर ज़्यादा टाइम बांध कर रखना चाहिए पशुओं को। तो उसके साथ साथ अगर आपके पशुओं के पैर ख़राब हो चुके हैं तो ये दवाइयों से कम सही होंगे, ज़्यादा सही होंगे अगर आपके कोई नज़दीक हो जो पशुओं के पैर होंगे, जो नौ होते हैं, नेल होते हैं, उसके उसे काट सके तो उसे बनाकर खुरों को बनाकर अच्छे से साफ कर दें, तो फिर ही आपके पशुओं के पैर जो हैं सही हो सकते हैं। अगर आप कहोगे कि दवाइयों से, तो दवाइयों से ये पैर बिल्कुल सही नहीं होते दोस्तों, दवाइयों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अगर इस कंडीशन में गाय आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसको बुखार के इंजेक्शन लगाने हैं, और बुखार के इंजेक्शन लगाने के बाद अगर जब आपके पशु का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद आपने माइफेक्स जो ड्रिप होती है जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है वो लगा देनी है, तो उससे आपके पशु अच्छे से सीधे खड़े हो जाएंगे। और जो पैर है, पैरों को साफ़ करते रहना है, तो पोटाशियम जो है वो उसका घोल बनाकर वो पैरों पर लगाते रहना है, उससे जो पैर है वो खुश्क हो जाएंगे और आराम जल्दी आ जाएगा जख्मों को। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो बुखार के इंजेक्शन है वो मुझे कमेंट करके मेरे से जानकारी ले सकते हो, तो मैं आपको सभी जानकारी कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर कोई भी बीमारी हो या इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।